तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 रसायन शास्त्र का यहाँ पर असली पेपर। दोस्तों क्या कि इस पेपर को डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें आपके लिए हमारे लिए हमें कुछ ऐसा पेपर दे दीजिए कि हम उससे प्रैक्टिस कर सकें। तो मैंने यहाँ पर क्या है एक कंप्यूटर से एडिट करके एक पेपर बना लिया है, तो उसका अपन फुल सॉल्यूशन मतलब मैं आपके पेपर पूरा दिखा दूँगा। तो आप लोग इसका अगर सॉल्यूशन कर पा रहे हैं तो समझ जाना कि आप अपना जो आप पेपर होने वाला उसका भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। तो मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, अगर आपकी मर्जी हो तभी वीडियो देखना। अगर यह पेपर दोस्तों रियल नहीं है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके बनाया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऐसे ही तो फेक पेपर बना कर डाल रहे हैं यूट्यूब पर। चलिए अपन आप देखते इसका, आप अच्छे से देख लेना। ओके, सबसे पहले अपना प्रश्न क्या दिया हुआ है, कैथोड पर होने वाली क्रिया क्या है। यहाँ पर कैथोड पर होने वाली क्रिया तो ऑक्सीकरण, अवकरण या फिर उदासीनीकरण, रेडॉक्स। दोस्तों आप इन सभी के आंसर कमेंट करके बताना। उसके बाद दूसरा ठोस ए एक अति कठोर, यहाँ पर आपका ये वाला लिखना है ए किस प्रकार का ठोस है। तो इसमें आपको इन सभी चार ऑप्शन हैं, उसके बाद इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है, एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद शॉर्ट की त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व होता है, तो क्या दोस्तों आपका शॉर्ट की त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व होता है, तो इसका आपका राइट आंसर आपको लगा लेना है। इन सभी का इसका आपका जो भी है आप अच्छे से कर लेना। ओके, उसके बाद अपना डी आता है संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रकृति के साथ होता है। उसके बाद इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना, मैं आपको धीरे धीरे करके सही बता देता हूँ। किन अवयवों के धातुकरण प्रक्रमों के विस्तारित अवयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित किया जाता है, ठीक है, हेलिनाइन, कैटालाइन, उसके बाद तीसरा चौथा, तक इनमें से आपको इन सभी को सॉल्यूशन करके एक बार देख लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं उसके बाद नौवा देख लेना अपना, नौवा क्या दिया हुआ है, ये जो दिया है नाइट्रोजन, इनमें से आपको कोई एक आंसर है आप अच्छे से देख लेना, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। ओके, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डला हुआ है, अगर आप इस पेपर को कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है आप पूरा वो भी कर लेंगे रियल वाला, ठीक है, जो मैंने वीडियो देखी तो उसकी चिंता बंद कर लेना। उसके बाद दूसरा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते दोस्तों, दुर्बल प्रबल विद्युत अपघट। ओके, उसके बाद यही हो जाएगा। उसके बाद प्रक्रियान दोष के कारण, ये सभी आपको इन सभी का लिख लेना है। तीसरा डी, उसके बाद ई दिया हुआ है, उसके बाद एफ है, उसके बाद आता है अपना ये वाला नोवा जी नंबर का, बॉक्साइड के एल्यूमिनियम का सांद्रण खालिस्तान विधि से किया जाता है। उसके बाद सही जोड़ी, मैं आप क्या धीरे धीरे करके सही बता देता हूँ, आप इन सभी को अच्छे स्क्रीनशॉट कर लिए दोस्तों, और एक बार इनको रट्टी तूता मार कर पढ़कर जाइए, और आपको है क्या पूरा गर्दा मचा कर आना है। इन सभी सही जोड़ी को आपको कॉलम ए से कॉलम बी से मिलानी है कैरोलाइन तक। ओके, इन सभी को मैं ध्यान से आराम आराम से बता देता हूँ। उसके बाद अपना आता है चौथा, आता है डॉचिंग की परिभाषा दीजिए, जिसको सड़कों के बर्फ हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आईसीए किस प्रकार होता है, कॉलरोज का नियम लिखिए, कैरोबेंजीन किससे किराने पर डीटीडी बनता है। उसके बाद आता है एफ उपसंयोजन पदार्थ सिक्स का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर छः वाले, इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना। ओके, उसके बाद अपन मैं जल्दी जल्दी करके आप सभी को बता देता हूँ। ओके, उसके बाद आता है असामान्य अणुभार क्या कहती है, दोस्तों वेरी वेरी महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, समपराशयी विलयन किसे कहते हैं। दोस्तों अगर ये सभी आपको याद आ रहे हैं जो मैंने बताया थी पीडीएफ में, अगर आपने वो पढ़ लिया है तो जाहिर सी बात है कि आपको आराम से बन जाएगा। उसके बाद साथ साथ विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, लोहे तांबा के दो दो अवयस्कों के नाम व सूत्र। उसके बाद आठवा हेलो, आठवा अथवा का लेना ये वाला। और उसके बाद आता है अपना प्रश्न क्रमांक नौ, आठवां के बाद प्रश्न क्रमांक नौ है, जेड एन सी डी एवं एच जी को संक्रमण तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते समझाइए, अथवा दिया संक्रमण तत्व अत्यकाशी यौगिक बनते हैं कारण बताइए। ओके, लिखिए। उसके बाद अपना आगे बढ़ता है, अगला जो दिया हुआ है, 2 ग्राम कॉस्टिक सोडा 250 ml बिलियन में बिलीय विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए, अथवा राउल्ट का नियम लिखिए, इसी का अथवा महदिक राउल्ट का नियम। उसके बाद बारवा है, उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है समझाइए, ठीक है। उसके बाद ये इन सभी का आपको अच्छे से देख लेना। और उसके बाद आता है तेरहवा, टू क्लोरो तीन क्लोरो, ये सभी आपको अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना। ओके दोस्तों, इसमें से आपका आराम से 40 नंबर का बन जाएगा, अगर आपको ये पेपर बन रहा है तो इसमें से 40 नंबर का गारंटी से आपको बन जाएगा। उसके बाद चौदहवा पंद्रहवा अच्छे से कर लेना, 15 स्तरकवाती मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर। उसके बाद संक्रमण तत्व सामान्य रंगीन यौगिक बनते हैं कारण, लेंथिना एवं एक्टिना श्रेणी में अंतर। उसके बाद निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए, ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से कर लेना दोस्तों, ये सभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके,
ये महापॉपुलर प्रश्न है जो आपके 100% आने ही आने वाले हैं। ओके, निम्न उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। चलिए अपन आगे देखते हैं, इसका तो आप देख लेना 18वें का क्या है। निम्न उदाहरण सहित समझाइए आई धनात्मक, ये सभी आपको अच्छे से कर लेना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आपका अगला आता है 19वां, बास उदाब से आप अवनमन से आप कैसे समझे, इसकी सहायता से किसी आवास फिलिप ब्लैक का अनुमान किस प्रकार ज्ञात करेगा करोगे। उसके बाद आता है अथवा एक विद्युत अवघट्य के 1000 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.740 की कमी होती है। बेंजीन में हिमांक के अवनमन स्थिरांक 5.12 के केजी मूल के माइनस एक ब्लैक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपका मैंने दोस्तों पूरा यहाँ पर पेपर छोटी सी वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अब मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रियल पेपर नहीं है ये, प्रैक्टिस के लिए मैंने खुद बनाया है। ओके, ये पूरा आपको अच्छे से कर लेना, मैंने आपको एक ही वीडियो में थोड़ा सा बता दिया ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप पर ए बन रहा है तो यकीन मानिए आप पूरे के में से पूरे नंबर छाप के आएंगे, गर्दा मचाएंगे। ठीक है, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।